जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, भाजपा नेता अशोक कोल ने बताया। भाजपा नेता अशोक कोल ने कहा कि जनवरी और फरवरी मौसम की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है और ये स्पष्ट है कि चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे। टेरर फंडिंग मामले में पुंछ में एसआई ने मारा छापा। राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को पुंछ में दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले में दो सगे भाइयों के आवास पर ये रेड की गई है। एजेंसी की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, यहां रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू, 4 को रजौरी में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता रजौरी, पुंछ और बारामूला में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 3 अक्टूबर की शाम वे जम्मू पहुंचेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, फिर जम्मू संभाग के जिला रजौरी में 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे कश्मीर संभाग के बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। व्हाइट हैट कोर ने आज युवाओं को सेना में शामिल होने के मकसद से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र का प्रदर्शन भी दिखाया गया तथा फ्री फॉल विद डॉग शो भी इसका हिस्सा रहा। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले, साहस और सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इंडियन सैनिटेशन लीग में जम्मू कश्मीर के 7 शहर 30 सितंबर को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। देश के 1800 शहर में आयोजित इंडियन स्वच्छता लीग में जम्मू कश्मीर के 7 शहर चयनित हुए हैं। विशेष रूप में उल्लेखनीय में 2 शहर शामिल हैं। ये सभी कचरा मुक्त शहर की दिशा के लिए किए गए प्रयास में चयनित हुए हैं। ये सभी शहर के प्रतिनिधियों को 30 सितंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। एसएसपी ट्रैफिक अहमद मलिक स्थानांतरित, एसपी रामबन मोहिता शर्मा को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में लिखा गया है कि एसपी रामबन मोहिता शर्मा को एसएसपी ट्रैफिक हाईवे का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई है।